दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतिम द फाइनल टूट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि अब तक ये मूवी कितनी कलेक्शन की है, और बात करेंगे हम लोग इस मूवीज़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो कि होने वाली है तड़प की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब पुष्पा राज ने एक रिलीज से पहले ही 104.5 करोड़ की कलेक्शन कर चुकी है, तो कैसे कलेक्शन की है वो भी हम लोग बताएंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड तक देखते रहना, ये बात करते हैं। तो दोस्तों बता दें आप सभी को कि ये मूवी जो कि होने वाली है कि रिलीज होगी पुष्पा जो कि 17 तारीख को, और कलेक्शन को लेकर अगर बात की जाए तो पहले बात करते हैं सलमान भाईजान मूवी अंतिम द फाइनल टूट की। अंतिम ने पहले दिन पे कलेक्शन की थी 5.3 करोड़, दूसरे दिन जो कलेक्शन की थी वो था 6.3 करोड़, तीसरे दिन जो कलेक्शन की थी वो था 7.55 करोड़, और बताए टोटल पहले हफ्ते के दिन इस मूवी ने कलेक्शन की 29.40 करोड़ की। फिर आठवें दिन इस मूवी ने कलेक्शन की 1.25 करोड़, नौवें दिन इस मूवी ने कलेक्शन की 1.75 करोड़ की, और फिर संडे के दिन कलेक्शन की अपनी 10वें दिन पे 2.25 करोड़। फिर मंडे जो कि 11वां दिन था इस मूवी ने कलेक्शन की फिर से 1.10 करोड़ की, और फिर इस मूवी ने जो कलेक्शन की अपनी 12वें दिन वो की 1 करोड़ की, और आज ये मूवी तकरीबन 90 लाख की कलेक्शन करने वाली है। तो टोटल इंडिया से इस मूवी का जो नेट कलेक्शन होने वाला है वो हो चुका होगा 38 करोड़ रुपए, और जिसकी ग्रॉस कलेक्शन होती है पता है कितनी, वो होती है 46 करोड़ रुपए की। और बता दे दोस्तों ओवरसीज से ये मूवी तक अभी तक 16 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर चुकी है, तो टोटल अगर ऐड किया जाए तो होता है 64 करोड़ रुपए। और वर्ल्ड वाइडली वीडियो के अंत तक देखते रहना। और बात करें अगर तड़प की तो तड़प मूवी बता दे जो कि आहान शेट्टी की डेब्यू मूवी है, ये मूवी काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन कर रही है। ये मूवी पहले दिन पे कलेक्शन जो की थी इसमें था 4.5 करोड़ की, दूसरे दिन जो कलेक्शन की थी 4.12 करोड़ की, तीसरे दिन जो कलेक्शन की थी संडे था तो कलेक्शन में ग्रोथ बढ़ी और संडे के दिन काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन हुई जो कि ये 5.35 करोड़ की, और मंडे के दिन फिर कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिला वो तो लाजमी था, और बताए दोस्तों कि 2.25 करोड़ की। और फिर इस मूवी ने अपनी 5वें दिन जो कलेक्शन की वो लगभग 2.10 करोड़ की कलेक्शन थी जो कि काफ़ी बेहतरीन था, और आज के दिन पे ये जो मूवी कलेक्शन करने वाली है ये होने वाला है लगभग 1.90 करोड़ की। तो टोटल इसमें से इंडिया से जो नेट कलेक्शन होने वाला है ये होने वाला है 19 करोड़ रुपये, जो कि काफ़ी बेहतरीन काफ़ी कमाल की कलेक्शन है। और ये मूवी वर्ल्ड वाइडली जो है वो काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन की है, वर्ल्ड वाइडली ये मूवी 31 करोड़ की कलेक्शन कर चुके हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है वो ग्रॉस कलेक्शन में। अब बात करें अगर पुष्पा की तो पुष्पा ने किस तरीके से कलेक्शन किए, तो पुष्पा ने बता दे पुष्पा के 3 राइट्स जो बिके हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो राइट्स बिके हैं वो काफ़ी बेहतरीन, और ये तीनों की जगह जो है वो अलग अलग जगह पर, मुझे नाम आई थिंक याद नहीं अभी, बता दे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा इस मूवीज को इतनी मिली गई है जो कि है 104 करोड़ अभी ये कर चुके हैं सिर्फ 3 जगह पर बिक्री होके। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे ये मूवी कितना कलेक्शन करने वाली है, और ये मूवी 17 तारीख को बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने वाली है। तो आप हमें बताओ क्या ये सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है या नहीं, तो हमें कमेंट में बताओ। तब तक के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, ओके बाय, सब खैर।